呃。Uh huh. आज पाँच नवंबर 2023 भारत में रविवार है टुडेज फिफ्थ नोवर 2023 थाउजेंड एंड इट्स संडे इन भारत आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ स्टूडीज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ आज रविवार है तो अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य है रिवाइज डेट है दस मार्च उन्नीस सौ छियानवे टेंथ मार्च नाइनटीन नाइन्टी सिक्स इज द रिवाइज डेट मुरली का टाइटल है करणहार और करावनहार की स्मृति से कर्मातीत स्थिति का अनुभव बहुत प्रैक्टिकल और इम्पॉर्टेंट मुरली है जो बाबा के बच्चे पीछे आके लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट जाना चाहते हैं वो आज के अव्यक्त मुरली को बार बार स्टडी करेंगे और अभ्यास करेंगे केवल एक ही अभ्यास अगर करेंगे और इसमें मास्टरी आ जाए इस अभ्यास में तो चलते फिरते फरिश्ते हैं चलते फिरते कर्मातीत अवस्था का अनुभव करेंगे बाबा ने एक मुरली में कहा था कि ब्रह्मा बाप ने जो नंबर लिया वो इसी अभ्यास से लिया मालिक बनके शरीर को चलाना या सारथी बनके इस रथ को चलाना ये शरीर एक रथ है और इस शरीर रूपी रथ को चलाने वाली मैं आत्मा सारथी हूँ यह अभ्यास जिसने सीख लिया उसके लिए न्यारा और प्यारा बनना बहुत इजी है जैसे शिव बाबा परम धाम से सातवें आसमान से यहाँ पर आता है पुरानी दुनिया में ब्रह्मा बाप के तन में प्रवेश करते हैं और मुरली सुना के वापस चले जाते हैं या अव्यक्त बाप दादा आते थे दादी के तन में आते थे प्रवेश करते थे मुरली सुना के वापिस चले जाते थे तो यही अभ्यास है मालिक बन के शरीर को चलाना ये शब्द भक्ति मार्ग का है करण करावन हार और बाबा का एक गीत भी है बहुत सुंदर गीत है बहुत लोगों को पसंद आता है वो गीत कराने वाला करा रहा है और करण हार हम किए जा रहे हैं तो ये बाबा की मुरली थोड़ा गहराई से देखेंगे बाबा ने आज की मुरली में बच्चों का बैलेंस देखा है कि बच्चे सेवा करते समय कितना बैलेंस में चलते हैं लौकिक में भी कमाल बैलेंस की होती है अगर आप में से किसी ने सर्कस देखा हो तो सर्कस के अंदर वो जो ट्रपजी आर्टिस्ट कहते हैं आपने देखा होगा कि ऊपर रस्सी होती है उसके ऊपर पैर से लटकते हैं और वो झूले की तरह उसके ऊपर झूलते हैं और एक झूले से दूसरा झूला दूसरे झूले से तीसरा झूला कितना इजीली वो करते हैं ये पूरा बैलेंस का कमाल है रस्सी के ऊपर चलते हैं, वो भी बैलेंस का कमाल है इंटरनेशनल रिकॉर्ड है ये तो चलो एक छत के नीचे आप कर रहे हैं सर्कस में लेकिन आप कल्पना करो उस व्यक्ति का बैलेंस कितना होगा कि जो दो पहाड़ के बीच में रस्सी टंगी हुई है एक रस्सी है और बहुत ऊंचाई पे है और वो व्यक्ति केवल अकेला ही नहीं चल रहा है लेकिन वो अपने बेटे को कंधे पर बिठाकर उस रस्सी के ऊपर एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ को क्रॉस कर रहा है अगर ऊपर से नीचे गिर गए तो चकनाचूर तो ये कमाल किसकी है बैलेंस की है तो लौकिक में भी बैलेंस को लोग मानते हैं और बाबा के महावाक्य तो यज्ञ में प्रसिद्ध हो गए फेमस हो गए मैं तो इसके ऊपर सेशन लेता हूँ और यही बाबा के शब्द टॉपिक लिया हुआ है मेरा टॉपिक है बैलेंस ब्लेसिंग एंड ब्लिस ये तीनों बी से चालू होने वाले हैं हमारे मेडिकल साइंस में हमको फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में ट्रिपल बी सिखाया जाता है ब्लड ब्रेन बैरियर वो भी ट्रिपल बी है ये भी ट्रिपल बी है बैलेंस ब्लेसिंग एंड ब्लिस बैलेंस माना संतुलन ब्लेसिंग माना आशीर्वाद दुआ और ब्लिस माना आनंद तो जो बैलेंस में रहते हैं उनको ब्लेसिंग मिलती है और जितना ब्लेसिंग ज़्यादा जितनी दुआएं ज़्यादा उतना आप ब्लिस में रहोगे या आनंद में रहोगे आज बाबा ने बच्चों के बैलेंस को देखा है कौन सा बैलेंस तो बाबा ने बहुत सारे बैलेंस बताए हुए हैं बाबा एक बैलेंस जो हमेशा कहता है वो है याद और सेवा का बैलेंस क्योंकि ब्राह्मण या बी के माना जो सेवा के बगैर नहीं रह सकता जब आपको कोई प्राप्ति होती है अच्छी तो आप वो प्राप्ति दूसरों को बांटे बगैर रह नहीं सकते आपका जीवन श्रेष्ठ बन गया तो आप जरूर दूसरों को सुनाए बिगर रह नहीं सकते ये बाबा के सभी बच्चों की अवस्था है क्योंकि उन्हें घर बैठे भगवान मिल गया जिस प्राप्ति को लोग कठिन समझते हैं ऐसे समझते हैं कि जन्म जन्मांतर की तपस्या करने के बाद कहीं सेकंड के लिए भगवान का साक्षात्कार होता है और यहाँ पर हर क्षण हर सेकंड परमात्मा गॉड अल्लाह ईश्वर हमारा साथ ही बना हुआ है हर सेकंड वो हमारे साथ है तो इतनी जबरदस्त प्राप्ति होने के बाद बाबा के बच्चे सेवा किए बगैर रह नहीं सकते हैं क्योंकि उनको अंदर से ऑटोमेटिकली रहम आएगा रहम ये इमोशंस भावना को हमने देखा ये बहुत पावरफुल इमोशन है जिसको हम एम्पती कहते हैं एम्पति या समवेदना सहानुभूति ये बहुत पावरफुल अवस्था है कि जब आप महसूस करते हैं कि मेरे चारों तरफ दुखी लोग हैं और मैं उस दुख से जा चुकी हूँ तो जब आपके अंदर इतनी पावरफुल रियलाइजेशन है तो आप उस आत्मा को मदद किए बगैर रह नहीं सकते हैं और ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों के दुखों को महसूस करते हैं फील करते हैं एक है महसूस करना और दूसरा है उस महसूसता की शक्ति के आधार पर एक्शन में आना एक्शन मोड में हम इसे अंग्रेजी में कंपैशन कहते हैं आप सबको पहले भी बताया ये विहासा का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है तो उसमें इस मॉड्यूल है माना ये कंपैशन का मॉड्यूल है करुणा का मॉड्यूल उसके ऊपर बहुत अच्छा रिजल्ट हमको आ रहा है और ये हीलिंग का मॉड्यूल है इसमें हीलिंग होता है ज़ख्म भर जाते हैं इसका बहुत गहरा कनेक्शन गलतियों के साथ है मिस्टेक गलतियां सभी से होती है गलतियों के बाद आता है फर्गिवनेस लेकिन अगर हमारे अंदर एंगर है इसको ये सब आज की मुरली है बाबा ने कहा घृणा या ईर्षा अगर है तो रहम नहीं हो सकता रहम जब जागरूक होता है तो ये सब भावनाएं खत्म हो जाती है घृणा और ईर्ष्या के तो ये ऑब्स्टेकल है हीलिंग में माना ये विघ्न है तो बाबा आज कह रहा है कि रहम दिल बाबा के बच्चे मास्टर रहम के सागर है तो जब हम महसूस करते कि मेरे चारों तरफ दुखी आत्माएं हैं तो मैं मदद किए बगैर रह नहीं सकती हूँ सिर्फ बाबा ने बोर्ड ऑफ कक्ष कॉशन बताया है आज बहुत सूक्ष्म बात बाबा ने कही है कि कई बच्चे होता लगाव है अटैचमेंट है किसी देहदारी के साथ और कहते हैं कि मुझे तो इसके ऊपर रहम आ रहा है बाबा ने बराबर पकड़ा है देखो बाबा छोटी भी गलती बच्चों में देखना नहीं चाहते पूरा परफेक्ट करके ही छोड़ेगा बाबा तो लगाव के वश अगर आप किसी के ऊपर रहम कर रहे हैं तो फंस जाएंगे वो लगाव नहीं है आपको बॉडी कॉन्शियसनेस के परसेंटेज में लेके आएगा रहम सबके ऊपर आना चाहिए कुछ विशेष लोगों के ऊपर ही रहम आता है तो उसको पूरी तरह से रहम हम नहीं कह सकते हैं जैसे हम देखते हैं कि कई मंदिरों में या प्रार्थना स्थलों में बाहर जो भीख मांग रहे होते हैं तो उनको खाना खिला के या कपड़ा दे के कई लोगों को अच्छा महसूस होता है अपर उसमें अगर वो बॉडी कॉन्शियसनेस का आ गया मैपन तो फिर वो अहंकार को बढ़ाने के मार्शिन या दरवाजा खोल देता है आज बाबा ने यही कहा कि माया इसी दरवाजे से अंदर आती है और वो है मैपन का दरवाजा तो ये गेट बाबा कहते हैं अभी पूरी तरह से बंद नहीं किया है ऐसा बंद करते हो तो माया सहज ही खोल लेती है और आ जाती है बाबा के देखो गहरी बातें बताने का बाबा का तरीका कितना अच्छा है हमारे सामने चित्र आ जाता है चित्र से आप जल्दी समझाएंगे तो समझ में आता है कि आपकी आंखों के सामने चित्र आया कि आपने दरवाजा खुला रखा है और दरवाजा बराबर बंद नहीं किया तो है तो बिल्ली कुत्ता चूहा उस दरवाजे से घुस जाते हैं तो माया ऐसी है माया का दरवाजा है मैपन अब ये मैपन बहुत सूक्ष्म है इसकी जितनी गहराई में जाए उतना कम है बाबा ने कहा माया अंत तक आएगी सिर्फ उसका रूप परिवर्तन होगा ये बाबा ने कितनी बार कहा है माया अलग अलग रूप में पेपर लेगी तो पता ही नहीं चलता है कि ये भी माया है और आज बाबा ने कहा कि किस तरह से आती है तो भगवत गीता भी इसको कहती है तीसरे अध्याय में सत्ताईसव श्लोक है ट्वेंटी सेवेंथ वर्ष ऑफ थर्ड चैप्टर ऑफ भगवदगीता अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मान्य बुरी स्पिरिचुअलिटी ये कह रही है कि आप अगर सोच रहे हैं कि आप ये सब कुछ कर रहे हैं तो आप गलत है स्पेशली जो अच्छे काम हम करते हैं तो हमको लगता है मैंने इतना दान किया मैंने इतने लोगों की मदद की तो उसका भी अहंकार आ जाता है लोगों को बाबा ने ये बच्चों को भी कहा हुआ है इसके ऊपर तो बाबा ने मुरलिया चलाई है हमने श्रीमद् भगवत गीता स्टडी ग्रुप में देखा ट्वेल्थ चैप्टर ऑफ गीता बारह बारह ट्वेल्थ वर्स ट्वेल्थ चैप्टर श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात ज्ञान ध्यानम विशिष्यते ध्याना कर्म फल त्यागम त्यागा शांति रनंदरम त्याग भगवद गीता त्याग टॉक्स अबाउट द त्याग त्याग को सर्वश्रेष्ठ डिग्री दिया हुआ है और बाबा ने भी कहा हुआ है कि बच्चे अगर आप अपने तपस्या के परसेंटेज को बढ़ाना चाहते हो अगर आप अच्छे तपस्वी बनना चाहते हो तो त्याग के बिगैर कुछ नहीं हो सकता और बाबा ने इसके ऊपर सात मुरलियाँ चलाई है 1982 में ये सातों ही सातों मुरलिया बहुत गहरी है जिसको भी अपनी योग की अवस्था को पक्का करना है वो सातों ही मुरलियों के ऊपर पीएचडी कर सकते हैं ऐसी ये मुरलिया है जिसमें बाबा ने त्याग के ऊपर कहा है आज की मुरली के साथ इसको कनेक्ट करेंगे तो बाबा ने उस मुरलियों में कहा था कि बच्चों ने त्याग किया है दिखाई देता है जैसे बीके भाई बहने सफेद ड्रेस पहनते हैं बैच लगाते हैं बाहर का कुछ खाते नहीं है पवित्र जीवन जीते हैं किसी के हाथ का पानी भी नहीं पीते ऐसे भी लोग हैं तो ठीक है अच्छी बात है आपकी दृढ़ता है लेकिन ये इतनी सब नियमों के ऊपर चलते हैं तो बाबा ने कहा त्याग आपका दिखाई देता है लेकिन आपका भाग्य दिखाई नहीं देता इंसिडेंटली अभी की रिसेंट मुरली जो चली दो तारीख की वो भी इसी के ऊपर थी कि भाग्यवान बच्चे बखतावर बच्चे वो दिखाई देना चाहिए आप अगर कहते हो कि मैं तो बहुत अच्छा योगी हूं या मैं भाग्यवान हूं तो वो दिखाई देना चाहिए छिप नहीं सकते हैं तो त्याग दिखाई देता है बाबा ने कहा लेकिन भाग्य दिखाई नहीं देता है क्यों नहीं दिखाई देता क्योंकि बाबा ने कहा कि त्याग किया है लेकिन त्याग का भी त्याग नहीं किया है अभी ये बहुत गहरा शब्द है त्याग का भी त्याग माना क्या तो बाबा ने कहा कि ये जो सूक्ष्म में है कि हमने पुरानी दुनिया छोड़ दी है मन और बुद्धि से हम किसी के हाथ का खाते नहीं है हम किसी के घर पे पानी भी नहीं पीते इतना एक्सट्रीम में कई लोग लेके जाते हैं जो कि मुझे लगता है इतना जरूरी नहीं है हमको युक्ति से चलना चाहिए बैलेंस से चलना चाहिए लेकिन ठीक है आपको अगर ऐसी सुविधा है आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ रहा है तो इतना त्याग किया है लेकिन बाबा कह रहा है कि मैंने त्याग किया इस भावना का अभी तक त्याग नहीं किया है उसका भी अहंकार आ जाता है कि हम तो त्यागी है ये त्यागी है इस बात को भी भूल जाना चाहिए नहीं तो ये भी आपको बॉडी कॉन्शियसनेस में ला सकते हैं और यही बात आज की मुरली में आई हुई है और ये बात किस तरह से आई है कि मैं ही कर सकता हूँ मेरे जैसी सेवा कोई कर नहीं सकता मैं बहुत बुद्धिवान हूँ मैं अच्छी मुरली समझता हूँ या समझाता हूँ मेरे अंदर ये विशेषता है मैं ये कर सकता हूँ मेरे जैसी सेवा कोई नहीं कर सकता मैं हूं इसलिए ये चल रहा है सब कुछ ये है मैंपन का सूक्ष्म रॉयल रूप जबकि स्पष्ट बाबा कह रहा है कि करावनहार बाबा है जिनको जिनको भी अहंकार है कि मैं ये कर सकता हूँ वो थोड़े दिन के लिए सेवा छोड़ दे तब आपको पता चलेगा कि आपके नहीं होने पर भी दुनिया बहुत अच्छी तरह से चल रही है कई लोगों को यह लगता है मैं हूं इसलिए सब कुछ चल रहा है नहीं आपके नहीं होने पर भी सब कुछ अच्छा चल सकता है और चल रहा है जिनको भी यह अहंकार था वो सब चले गए हैं। लेकिन दुनिया रुकी नहीं है और बाबा की सेवा तो दिनों दिन वो हिंदी में कहते हैं क्या दिन दोगुनी रात रूप से बढ़ रही है तो इससे स्पष्ट है कि करावनहार कोई और है कोई और चला रहा है हम तो ये फील्ड में स्पष्ट अनुभव करते हैं आज की मुरली में मैं अपने आप को साक्षियों के देख रहा था बाबा वही बातें बता रहे थे जो हमसे गलतियां होती है अभी दिन भर में पांच छह प्रोग्राम है तो ऑटोमेटिकली थकावट हो जाती है अभी ये थकावट क्यों हो रही है क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियसनेस में सेवा कर रहे हैं बाबा ने बहुत बार मुरलियों में कहा हुआ है एक बार तो बाबा ने कहा अगर बाबा की याद में अभी बाबा की मुरली आबू में चल रही थी तो बाबा ने कहा अगर बाबा की याद में आप आबू से दिल्ली पैदल भी गए तो भी थकेंगे नहीं आप सोचो भक्ति मार्ग में कितने लोग यात्रा करते हैं अभी तो चलो गाड़ी हो गई रेलवे हो गए एरोप्लेन हो गए हेलीकॉप्टर से भी लोग जाते हैं मैंने देखा कहा केदारनाथ में हेलीकॉप्टर से जाते हैं बाकी भी स्थानों पर हेलीकॉप्टर से जाते हैं तो अभी वो पहले जैसे तो यात्रा करते नहीं हैं आप सोचो पंद्रह सो वर्ष पूर्व जब आदि शंकराचार्य कहा केरल में केरल इस बॉटम ऑफ इंडिया वहां से पैदल करके वो कहाँ गए ऊपर बद्रीनाथ बद्रीनाथ उत्तराखंड वहां पे जाकर उन्होंने आश्रम स्थापन किया है पीठ स्थापन किए आप सोचो कहाँ केरल नीचे और उस समय क्या था रेलवे नहीं थी बस नहीं थी टैक्सी नहीं था एरोप्लेन नहीं थी पैदल पैदल गए यहाँ से वहां तक कितनी यात्रा करते थे लोग तो उस समय उनके पास एनर्जी कहाँ से आ गई है तो एक तो भावना थी माया सतो प्रधान थी तमो प्रधान नहीं हुई थी और भावना थी और भगवान के लिए पैदल जाने में ही सुख समझते थे आज की अवस्था आप सब जानते हैं हम उसमें नहीं जाएंगे लेकिन बाबा ने ये जो कहा मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा और फिर मुझे कनेक्ट हो गया कि बाबा ने ये क्यों कहा क्योंकि 1985 में जो पुराने भाई बहने हैं बाबा के बच्चे वो जानते हैं 1985 में क्या हुआ था गोल्डन जुबली था और सभी यूथ पूरे भारत से माना आप पश्चिम भारत ले लो पूर्व भारत ले लो दक्षिण भारत हर जगह से वो पैदल निकले थे आप उसके फोटो भी शायद इंटरनेट पे देख सकते युवा पैदल यात्रा 85 में निकले थे और उस समय भारत के जो प्रेसिडेंट थे मेरे ख्याल से ज्ञानी झेल सिंह थे ज्ञानी झेल सिंह और उनको जाके ये मिले संदेश देते हुए तो सभी ने अनुभव सुनाया हमको बहुत खुशी हुई थकावट नहीं हुई ये बात बाबा ने कही थी कि पैदल अगर चलेंगे तो आप थकेंगे नहीं अभी उसके बाद बहुत सारी साइकिल यात्रा निकली कार यात्रा तो निकलती ही रहती है तो कहने का बाबा का भाव ये था अगर आप बॉडी कॉन्शियसनेस में रहेंगे तो थक जाएंगे और मैं कर रहा हूं मैं कर रहा हूँ मुझे ही करना है ये भी भाव होगा तो भी थक जाएंगे आपको ये रखना है कि दो बातें बाबा ने बताई करण करावनहार शब्द तो करावनहार को दो प्रकार से याद में रखना है ये देखो मैं आज के मुरली का और बहुत इंपॉर्टेंट अभ्यास है जो मैं अनुभव करता हूं लेकिन फिर भी मैं अपने आप को साक्षी होके देखता हूँ कि बीच बीच में हम बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं सेवा करते वक्त उस समय बाबा की याद कम हो जाती है और वही बात हमको थकाती है तो बाबा ने कहा करावनहार ये जो शब्द है भक्ति मार्ग में कि कराने वाला करा रहा है चलाने वाला चला रहा है उसको कैसे याद करने का तो एक बाबा मेरे द्वारा करा रहा है ये है करावनहार माना बाबा की शक्ति मेरे द्वारा सेवा करा रही है मैं निमित्त हूँ करावनहार बाबा है ये एक करावनहार और दूसरा मैं आत्मा मालिक बन के शरीर को चला रही हूँ कर्मेंद्रियों को चला रही हूँ इस डबल रूप में आप ये अभ्यास करेंगे तो ये बहुत सुंदर अभ्यास होगा और आप बहुत अच्छा इसमें अनुभव कर सकते हैं तो आज दिन भर में हम इसका अभ्यास करेंगे चलते फिरते मैं मालिक इस शरीर की मालिक कर्म इंद्रियों की मालिक इस शरीर को चला रही हूँ पैरों को मैं चला रही हूं हाथों को मैं चला रही हूँ आंखों को मैं चला रही, रही हूँ कानों को मैं चला रही हूं मुख को मैं चला रही हूं मैं मालिक हूँ मैं इस शरीर को चला रही तो शरीर करण हार है और मैं करावन हार है शरीर करनहार है मैं करावनहार हूँ मैं ये अभ्यास करता हूँ मुझे बहुत अच्छा अनुभव होता है खास करके चलते वक़्त मैं ये सोचता हूँ कि पैर चल रहे हैं और मैं पैरों को चला रहा हूँ पैर चल रहे हैं लेकिन मैं इस पैरों से अलग हूँ तो मैं डिटैच होने लगता हूँ मैं बोल रहा हूँ लेकिन मैं बोलने वाला अलग हूँ ये शरीर का बाजा बज रहा है जैसे वो ऑर्केस्ट्रा में वो ट्रम्पेट बजाते हैं जो भी डिवाइसेस बजाते हैं बासुरी बजाते हैं तो ये शरीर जैसे कि बासुरी है और मैं इसको बजा रहा हूँ तो आप शरीर से डिटच होने लगेंगे मालिक बनकर इसको यूज करेंगे जब बजाना है तो बजाओ नहीं तो चुप हो जाओ तो मैं मालिक हूँ ये सभी कर्म मेरे कंट्रोल में आंखों का काम है देखना तो जब चाहे मैं देखूँ जब चाहे मैं नहीं देखू कानों का काम है सुनना तो जो चाहे वो सुनूँ जो चाहे नहीं सुनू अभी अगर आप मालिक नहीं हैं तो कान आपका सुनेंगे नहीं कोई है, कुछ लोगों में संस्कार होता है बैठे एक जगह पे होते हैं लेकिन आजू बाजू में लोग क्या बोल रहे हैं उसके ऊपर कान जाते हैं ट्रेन में या कहीं पर भी ट्रैवल करते हैं ये फालतू है, है व्यर्थ है आपको इससे कुछ लेना देना नहीं है फिर भाई हो या बहने हो किस में ये संस्कार ज़्यादा है हम सब जानते हैं लेकिन हमको इन बातों में जाना नहीं चाहिए क्योंकि कर्मेंद्रियों के आप मालिक है और दूसरा करावन बाबा बाबा मेरे को चला रहा है जब ये थॉट रहेगा तो दो बातें होगी एक अहंकार नहीं आएगा कि मैंने किया बाबा चला रहा है तो अहंकार नहीं आएगा अगर मैंने किया ये सोचा तो अहंकार आ जाएगा तो पहला इससे बचते और दूसरा बाबा की याद रहती है तो विकर्म भी विनाश होते हैं और शक्ति भी मिलती है तो बंधन नहीं संबंध का अनुभव होगा सेवा का संबंध का अनुभव होगा बंधन का नहीं तो इससे बहुत कुछ होने वाला है आप इसका अभ्यास करेंगे तो आप ये अनुभव करेंगे बाबा ने स्पष्ट कहा है जो लोग कहते हैं कि हम तो तपस्या करना चाहते हैं तो बाबा ने आज चैलेंज दिया एक महीना क्या दो महीना आप बैठो तपस्या करो तो भी कुछ नहीं होगा क्योंकि तन को आप बिठाया मन को नहीं बिठाया तो कोई फायदा नहीं है क्योंकि सेवा के बगैर आप रह ही नहीं सकते आप चाहो नहीं चाहो डे बाय सेवा बढ़ने वाली है और अगर मैं पन में सेवा किया तो बाबा ने कहा माथा भारी हो जाएगा लेकिन जब करावनहार करा है ये ध्यान में रखेंगे तो माथा और रिफ्रेश हो जाएगा थकावट नहीं होगी एनर्जी आएगी बाबा कह रहा है देखो बाबा तो अविनाशी सर्जन है वो कहता है विटामिन की गोलियों से अगर एनर्जी आ सकती है तो क्या बाप की याद से आत्मा में एनर्जी नहीं आ सकती है तो विटामिन की गोलियों से एनर्जी आती है हमारे एक डॉक्टर साहब बहुत अच्छा सुनाते हैं कि आज की दुनिया में हमारी दिन की शुरुआत बी कॉम्प्लेक्स से होती है बी कॉम्प्लेक्स विटामिन लेते हैं और ब्रेक जो लगता है वो अल्प्राजोलम डाइजेपाम नींद की गोली से लगता है तो दिन की शुरुआत विटामिन से होती है और रात को ब्रेक लगता है नींद की गोलियों से तो धक्का स्टार्ट गाड़ी है तो बाबा ये कह रहा है कि हमको बाप की याद से एनर्जी लेना है और आत्मा में एनर्जी आई तो शरीर के ऊपर उसका ऑटोमेटिकली प्रभाव पड़ेगा तो मर्सी 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 माना रहम करो रहम करो कौन कह रहा है प्रकृति भी कह रही है और आत्माएं भी कह रहे हैं निराश हो गई है थक गए हैं तो उनके ऊपर हमको रहम करना है क्योंकि बाबा ने हमको सब कुछ दिया हुआ है तो क्यों ना हम लगाव मुक्त होकर मैपन से मुक्त होकर रहम करके बाबा के वाइब्रेशन सभी तरफ है ताकि जो बच्चे इतने दुखी हुए हैं वो दुखों से मुक्त हो जाए फास्ट जाना चाहते हैं तो आज्ञाकारी बने बाबा की आज्ञा है केवल मुझे एक को याद करो मुझ एक को याद करो इसको बाबा ने कहा एक मत एक बल एक भरोसा जहाँ एक है वहां हर कार्य में सफलता ही सफलता है किसी भी परिस्थिति को पार करना बहुत सहज होगा जहाँ एक है जहां अनेक है वहां पे प्रॉब्लम है इस समय हम देख रहे अनेक मत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है एक घर में चार लोग है चारों के अलग अलग मत है कौन सा खाना बनाना चाहिए कौन सी डिश बनानी चाहिए कपड़े कौन से चाहिए कलर कौन सा लगाना है दीवारों को हर एक की अपनी मत है देश देश के बीच में अलग मत है शहरों के बीच में अलग मत है क्या मैं बताऊं आपको मुझे लगता है भारत का मैं आपको समाचार सुनाऊं आज इस समय मैं सिरसी कर्नाटक में हूं यहाँ पे वैसे तो जंगल है कर्नाटक का बहुत बड़ा जंगल है सहस्त्र शिवलिंग भी इधर दर्शन होते हैं लेकिन जो हालत है मैं कभी टाइम मिला तो आगे सुनाऊंगा बहुत बुरा हाल है गांजा की वजह से तो गांजा जिस तरह से चल रहा है यहाँ पे हमको कुछ अर्जेंटली करना चाहिए तो ये सब समस्याएं डे बाय बढ़ते जाने वाली है तो हम जितना बाबा की याद में रह के आज्ञाकारी बन के चलेंगे उतना बाबा की दुआएं हमको मिलते जाएंगे फिर कभी आपको ये सेवा समाचार सुनाएंगे आज बाबा ने कहा नया जन्म है बीके लाइफ इज़ न्यू लाइफ तो उसकी स्मृति में रहो कि नया जन्म माना नया संस्कार तो नए संस्कार हमारे मर्ज होंगे तो पुराने संस्कार अपने आप मर्ज हो जाएंगे आज पूरे दिन भर में अटेंशन रखेंगे मैं नहीं चल रहा हूँ कोई और मुझे चला रहा है करावन हार बाबा है और मैं करावन हार मालिक आत्मा इस शरीर को चला रही हूँ प्रकृति भी दुखी है आत्माएं भी निराश हो चुके हैं उनके ऊपर रहम आ रहा है कि बाबा ने जैसे हमको दुखों से दूर किया वैसे इन आत्माओं के प्रकृति के दुख भी दूर हो जाए बैलेंस में रहेंगे स्वपुरुषार्थ और सेवा का याद और सेवा का लौकिक अलौकिक का बैलेंस रखते हुए बाबा की ब्लेसिंग लेंगे और ब्लिसफुल अवस्था में रहेंगे अच्छा ओम शांति